तो हमारे पास अभी टी वी एस की आर टी आर अफाची है, और इस बाइक में दिक्कत क्या है कि बाइक का जो गियर है वो मतलब फंस चुका है और चार नंबर पे जाके अटक गया है। तो यहाँ से मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको सबसे पहले, तो बाइक हमारा गियर में है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये तो ना तीन नंबर होता है और ना ही आगे बढ़ता है और ना ही पीछे होता है, देख सकते हैं आप, ना तो गियर लगता है और ना ही न्यूट्रल होता है। तो ये बाइक जो अभी चल रही है चार नंबर में ही चल रही है, क्लच दबा के इस तरीके से हमें चलाना पड़ता है। बाइक का गियर ना न्यूट्रल होता है और ना ही लगता है, तो इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है तो वीडियो के अंदर हम पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, तो इसमें जो दिक्कत है वो क्लच की साइड से हम क्लच पूरा ओपन करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, गियर का स्प्रिंग टूटा है या सप्टा में दिक्कत है या और भी कुछ दिक्कत है। तो वीडियो में बने रहे, हम चलिए धड़ाधड़ ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने पूरा क्लच को ओपन कर दिया और चलिए गाइस हम दिखाते हैं कहाँ से इसमें गियर का प्रॉब्लम है। बिल्कुल सैम्पल प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं ये जो गियर हमारा सप्टा होता है जिसके ज़रिए से हम जो गियर लगाते हैं, गियर आगे पीछे करते हैं, जो हमारा गियर को ऊपर नीचे करता है वही चीज़ ऊपर की ओर चढ़ चुका है। आपने देखा अभी जैसे ही हमने इसे हाथ से नीचे की ओर अंदर की ओर पुश किया और ये हमारा सही जगह पे बैठ चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारा होना चाहिए और क्या था गाइस कि ये हमारा ऊपर आ गया था और यहाँ पर आ गया था, और यहाँ से हम जैसे ही गियर लगाते थे तो हमारा गियर ना लगता था और ना ही न्यूट्रल हो रहा था। इस तरीके से सेम प्रॉब्लम था इसमें, तो देख सकते हैं आप आगू। तो इस तरीके से गाइस दिक्कत बहुत ही सैंपल होता है, इसे आप चाहे तो मतलब जो हमारा कवर होता है गियर का जो कवर होता है वहाँ से हम इस पॉकेट कवर, छोटा वाला इस पॉकेट का जो कवर होता है वहाँ से भी हम कर सकते हैं। पर गाइस क्या है, हमने सोचा कि चलो खोल के देख लेते हैं, खोल के देखने में ज़्यादातर बेहतर होता है, तो इसीलिए हमने खोला और अभी आप देख सकते हैं गियर जो हमारा काम पूरा क्लियर करने लगा। ये हमारा न्यूट्रल हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा गियर है और एक गियर डॉग है ऊपर में। तो हालांकि इस बाइक में इस तरीके से दिक्कत नहीं होता है, तो हीरो होंडा की अगर बात करें स्प्लेंडर पैशन प्रो तो उसमें क्या था गाइस कि गियर डॉग हमारा टेढ़ा हो जाता था, ज़ोर से अगर हम गियर लगाते थे तो हमारा वो गियर डॉग ऊपर की ओर चढ़ जाता था। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, सेम मतलब उसी तरीके से प्रॉब्लम है। तो इसका गियर सप्टा ही आगे की ओर अंदर की ओर पुश हो गया था जिसके कारण से ये गियर काम नहीं कर रहा था, और अब आप देख सकते हैं गियर हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम सही कर रहा है। तो अब गाइज हमें क्या करना है, इसका क्लच को पूरा हम सेट करेंगे, क्लच प्लेट हाउजिंग सब, और उसके बाद फिर हम दिखाते हैं कहाँ से इसमें और क्या एक काम हमें करना है जिसके ज़रिए से अगर हम वो चीज़ नहीं करते हैं तो हमारा बाइक में इस तरीके से फिर दिक्कत आ सकता है। तो चलिए गाइस अब हम फटाफट से इसे सेट करते हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे एक वाशर होता है, ये स्प्रिंग टाइप का होता है एक वाशर, तो उसे हमें यहाँ पे सेट करना है, लॉक समझिए आप। तो वो सेट करने में थोड़ा लगता है हमें, थोड़ा जल्दी ये बैठता नहीं है, तो उसे हमें अच्छे से बैठा देना है, और इसके बाद इसी स्प्रिंग का मैं बात कर रहा था, ये हमारा लॉक होता है एक तरफ से जो कि क्लच हाउजिंग और जो बेयरिंग होता है उन चीज़ों को पकड़ के रखता है। तो यहाँ से गाइज अब हम सेट करेंगे इसे, और एक काम जो था गाइज वो हम यहाँ से आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये जो हमारा सप्टा होता है इसके अंदर लॉक होता है, तो इस कवर को हमें निकालना है और इसके अंदर जो सप्टा में लॉक होता है जो कि इस लॉक के ज़रिए से हमारा गियर सप्टा अंदर की ओर नहीं जाता है। तो यहाँ से पहले हम इसे क्लीन करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो थोड़ा गंदगी यहाँ पे होता है, हमारा चैन होता है इसीलिए धूल मिट्टी पड़ जाता है। तो यहाँ पे गाइज लॉक होता है जिस तरीके से स्टार सिटी प्लस बाइक में या फोनिक्स बाइक में होता है उसी तरीके से इसमें भी लॉक होता है। वो लॉक में गाइज क्या है कि वो लॉक हमारा ऊपर चढ़ जाता है और ये सप्टा हमारा अंदर बाहर होने लगता है जिसके कारण से गियर में इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो जब भी यही लॉक, तो जब भी हम बाइक सर्विस करते हैं या और भी कुछ काम करते हैं तो इसी के साथ साथ हम या चैन को अगर क्लीन करते हैं, इस पॉकेट को खोलते हैं, सफाई करते हैं या वॉश करते हैं
तो इस लॉक के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ये लॉक क्या होता है, लूज हो जाता है या हम गियर जो लगाते हैं ये लॉक हमारा ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जिसके कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम बनता है। तो इस लॉक को हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे बैठा देंगे, जहाँ इसका घाट होता है उस घाट पे हम बैठा देंगे। और इस लॉक के अंदर एक वाशर भी होता है, लॉक के अंदर एक वाशर होता है, उस वाशर के बाहर हमें इस लॉक को लगाना है। लॉक को लगा के पेचकस की मदद से हमें पुश करना है और मतलब अच्छे से बैठा देना। अब देख सकते हैं आप गाइज, ये मतलब ज़रा सा भी अब आगे पीछे नहीं हो रहा है। और पहले क्या था, जैसे हम गियर लगाते थे या हाथ से इस तरीके से हिलाते थे तो ये आगे पीछे हो रहा था, तो अब वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें इस कवर को लगा देना है और हमारा जो प्रॉब्लम था वो चीज़ बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इसका गियर का जो प्रॉब्लम था सॉल्व किया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लॉक होता है वो लॉक मतलब हट जाता है, अगर यहाँ से हमारा कुछ झटका लगने के कारण से वो लॉक या तो ऐसे भी लूज हो जाता है, और लूज होने के कारण से ये लॉक हमारा ऊपर की ओर चढ़ जाता है और ये सप्टा अंदर की ओर चला जाता है, जिसके ज़रिए से हमारा गियर वहाँ चढ़ जाता है। आपको हमने दिखाया किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि बाइक का जो गियर है वो बिल्कुल चक्का न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं। तो चक्का चलाइए, हम गियर को आप चेक करके दिखाते हैं। तो ये हमारा एक नंबर लग चुका है और आप देख सकते हैं चक्का बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो हमने अभी एक नंबर लगाया है और ये अब दो नंबर लगा है, देख सकते हैं आप, और अब ये तीन नंबर और चार नंबर, पांच नंबर। तो ये हमारा पूरा गियर लग चुका है। अब जैसे हम न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल भी ये आराम से होगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और गाइस, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें अपने दोस्तों के साथ, हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू गाइस, जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।